My all lovely students and my all friends, happy Sawan to all of you. Lord Shiva, आप लोग को ढेर सारी happiness दें. चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं. आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, आप लोग का क्लास 8 का साइंस का एक एक चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी यहाँ पे, ठीक है? तो एक भी वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, लगातार चैनल पे विज़िट करते रहिएगा. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन और प्रबंधन. क्रॉप, फसल का उत्पादन मतलब ज़्यादा से अच्छे फसल को उगाना, ठीक है? और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन. यहाँ पे मैनेजमेंट का सेंस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैनेजमेंट का सेंस है क्रॉप्स का प्रोडक्शन. मान लीजिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी फसल हो गई, अब उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना और उसको सेफ रखना ताकि फसल ख़राब ना हो. जो भी ग्रेन्स है, जो भी अनाज है, जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो ख़राब ना हो, ठीक है? तो मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आइए जानते हैं कंप्लीट डिटेल इस चैप्टर में. ड्यूरिंग द समर वेकेशन पहेली एंड बोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस हु इज़ अ फार्मर. समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में, पहेली और बोजो अपने अंकल के घर गए जो कि एक किसान थे, ठीक है? वन डे वाइल दे वर रोमिंग इन द फील्ड दे सॉ फ्यू टूल्स सच एज खुरपी, शिकल, शॉल, प्लाव एट्सेट्रा. एक दिन घूमते हुए वो खेत में चले गए, कौन? पहेली एंड बोजो. और उन्होंने वहाँ कुछ टूल्स देखे, कुछ औजार देखे. क्या? खुरपी, ठीक है? शिकल यानी क्या होता है? हसिया, दतारी कहते हैं ना. और शॉल यानी फावड़ा, जिसे मिट्टी खोदते हैं. प्लाव यानी हल. ये सारे जो टूल्स हैं उन्होंने देखा, ठीक है? वी नो दैट फूड इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. हम सभी जानते हैं कि जो भी जीवित प्राणी हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता हो है, ठीक है? बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं. थ्रू फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक है? हाउ इज़ फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फूड, जो ग्रीन, जो हरे पौधे हैं, वो भोजन को कैसे सिंथेसाइज्ड करते हैं, ठीक है? इसका आंसर आपको आगे चैप्टर में मिलेगा. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर ओन फूड. जानवर और मानव अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, अपना भोजन खुद से नहीं प्राप्त कर सकते. देन फ्रॉम वेयर डू एनिमल गेट दियर फूड. फिर जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं. इसमें अभी फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है? और ये जो सारे क्वेश्चन है इसका आंसर आपको चैप्टर में आगे मिलेगा. द क्वेश्चन अराइजेज वाई डू वी नीड टू ईट फूड. क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाई डू वी नीड टू ईट फूड. हमें भोजन खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सोचिए, आप लोग दिमाग पे जोर डालिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शनैलिटीज ऑफ बॉडी सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन. जो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है वो बॉडी के कई सारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है. मतलब शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है वही यूज़ होता है, ठीक है? जैसे डाइजेशन, पाचन में, रेस्पायरेशन, सांस लेने में, एंड एक्सक्रेशन, बॉडी में जो बैड एलिमेंट्स होते हैं उसे बाहर निकालने में. ये सब जो फंक्शन है इसे परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स? We get our food from plants or animals or both. हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं पौधों से या जानवरों से या दोनों से, ठीक है? आइए आगे देखते हैं. To provide food for a large population, it is needed to have regular production, proper management and its distribution. प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ नीडेड टू हैव रेगुलर प्रोडक्शन. हमें लगातार प्रोडक्शन करना होगा, हमें लगातार फसल का उत्पादन करना होगा एंड उसका मैनेजमेंट भी बहुत सही तरीके से होना चाहिए. क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत सारी फसल उगा ली, ग्रेन्स हो गए, लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ तो सब खराब हो जाएगा. और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर वो ग्रेन्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है?
कृषि की जो प्रथाएं हैं, मतलब कृषि कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इंट्रोडक्शन कृषि का, ठीक है, वो देखेंगे हम। पीपल लेड अ नोमेडिक लाइफ टिल 10,000 BC, दे वांडर इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमेडिक मतलब क्या होता है, घुमंतू, ठीक है, या खाना बदोश। 10,000 ईस्वी पूर्व जो लोग थे वो कैसा जीवन यापन करते थे, नोमेडिक लाइफ यानी घुमंतू जीवन था उनका, खाना बदोश जीवन था उनका। वो एक जगह से दूसरे जगह ग्रुप्स यानी समूह बना के भोजन की तलाश में घूमते थे, और वन प्लेस टू शेल्टर और वो शरण एक जगह से दूसरे जगह पे रुकते थे, ठीक है। यानी 10,000 ईस्वी पूर्व जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो एक जगह नहीं रहते थे, वो भोजन की तलाश में जगह जगह ग्रुप एक समूह में घूमते रहते थे और जगह जगह विश्राम करते थे, शरण लेते थे, रुकते थे, ठीक है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो कच्चा फल खाते थे, सब्जियाँ कच्ची खाते थे, और जानवरों को मार के भी खाते थे भोजन, ठीक है। लेटर दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग लैंड, कुछ टाइम के बाद वो स्टार्ट किए कृषि करना, ठीक है। एंड प्रोड्यूस, और उन्होंने उत्पादन प्रोड्यूस किस चीज़ का उत्पादन किया, राइस, चावल का, वीट, गेहूँ एंड अदर फूड क्रॉप्स, और अन्य जो भोजन की फसल होती है उसका उन्होंने उत्पादन किया। दस इस प्रकार एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस, इस प्रकार मतलब इस प्रकार जो कृषि है उसका परिचय हुआ, इस प्रकार कृषि प्रचलन में आई जब इन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया, क्रॉप्स का उत्पादन करना स्टार्ट किया, तब वहाँ से कृषि का परिचय हुआ, लोग कृषि से इंट्रोड्यूस हुए, लोग जाने कि हाँ खेती करना क्या होता है, ठीक है, एंड ग्रेन्स क्या होता है, राइस क्या होता है, वीट्स क्या होता है, वहाँ से लोग जानना स्टार्ट किए, ठीक है। व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं, मतलब फसल, हम बोल दिए क्रॉप, किसी एक, अगर कोई एक प्लांट है कहीं तो वो क्रॉप नहीं होगा, क्रॉप का होगा। व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट, जब एक ही तरीके का पौधा एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल में हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। एग्जांपल के लिए है, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट इन, जैसे गेहूं की फसल का मतलब क्या है, इन अ फील्ड ऑल द प्लांट्स ग्रोन आर दैट ऑफ वीट, मतलब एक प्लेस पे पूरा गेहूं की फसल है, ठीक है, पूरा गेहूं का प्लांट है, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप ऑफ वीट, गेहूं की फसल। अगर सिर्फ गेहूं का एक ही पौधा होगा तो उसे हम गेहूं की फसल नहीं कहेंगे, ठीक है। वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हम जानते हैं अलग अलग टाइप्स के फसल, जैसे सीरियल्स यानी अनाज हो गया, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ होंगी हो गई, एंड फ्रूट्स यानी फल हो गए। वी कैन क्लासिफाई दीज क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे कल्टिवेट। हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किनको, फसल को, किस बेस पे, सीजन के बेस पे, ठीक है। अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की फसल बोई जाती है। देखते हैं, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, यानी विविधता का देश है। यहाँ पे सीज़न भी अलग अलग होता है, रिलीजन कई टाइप्स के हैं, ठीक है, कल्चर कई टाइप्स के हैं, लोग कई टाइप्स के हैं, इसलिए इसे डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। द फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स। फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया मतलब तापमान हो गया, आर्द्रता, नमी एंड वर्षा, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप्स अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्र का जो वेदर होता है वो अलग अलग होता है। बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पर, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। इसके आधार पर अलग अलग क्षेत्र कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की फसल बोई जाती है, उगाई जाती है, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। इसके आधार पे जो फसल का पैटर्न है उसको दो भाग में, उसकी जो कैटेगरी है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, यानी दो पार्ट में बांटा गया है, वो कौन सा है, पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। आइए जानते हैं खरीफ की फसल के बारे में। द क्रॉप सीडेड इन द रेनी सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। बारिश के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ की फसल। इन इंडिया रेनी सीजन एक्सटेंड फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। भारत में जो रेनी सीजन है, बरसात का मौसम जून से सितंबर तक होता है, ठीक है,
Some examples of such crops are paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. कुछ example दिया गया है खरीफ की crops का. Paddy यानी धान की फसल, मक्के की फसल, soybean, groundnut and cotton. ठीक है. मूंगफली, cotton का मतलब क्या होता है? कपास. ये सारी जो फसल है ये किस खरीफ की फसल है. ठीक है, आइए देखते हैं रबी की क्रॉप्स. रबी की फसल, द क्रॉप्स सीडेड इन द विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स. विंटर सीजन में यानी सर्दियों के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसल. विंटर सीजन prevails from the month of October to March. October से मार्च तक क्या होता है? Winter season. Few examples are wheat, gram, pea, mustard and linseed. कुछ example दिया गया है रबी की crops का, वो क्या है? Wheat है, गेहूँ है, चना है. Gram मतलब क्या होता है? चना. Pea यानी मटर. Mustard यानी सरसों. और linseed यानी अलसी का बीज. ठीक है, अलसी. ये है आपका रबी crops. During summer, pulses and vegetables are sown in various regions. Summer के यानी गर्मी के मौसम में दाल और सब्जियाँ अलग अलग जगह पे दिखाई देती हैं, अलग अलग जगह पे उगाई जाती हैं. ठीक है, I hope आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा. अगर कुछ समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लिया करिए और डेली चैनल को विजिट किया करिए. ठीक है, आपको कंप्लीट चैप्टर मैं यहाँ पर कराऊँगी. ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. आप लोग का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे. बाय बाय.